मैं एक तहसील में बयान करने गया, मैं नाम नहीं लेता, मेरा बयान लाइव चलता है, फिर लोगों को पता चल जाता है। तो मौलवी को थोड़ा अमीन भी होना चाहिए, अमानत की खयानत न करे। मैंने वहाँ जाकर एक बंदे से बात की, उनने मुझे कहा कि हमारे पड़ोसी ने अपनी बीवी को कल मारा है और उसकी बीवी के रोने की आवाज़ें आ रही थी और अभी वो जलसे में आगे आगे बैठा होगा। मैं बहुत परेशान हुआ कि यार मैं क्या बयान करूँगा इधर। जलसे के बाद उसको बुलाया और उससे बात चलाई तो वो खुल पड़ा। मुझे कहता जी हाँ, मानती नहीं थी बात, सीने पे चढ़ के घुटने ऊपर रख के दो से डंडे लगाए हैं, वाई वाई करके मेरी बात मान गई है। मैंने उसे कहा आपकी बेटियां कितनी हैं? कहते छः। मैंने कहा बीवी को कितने डंडे लगाए हैं? कहते दो। मैंने कहा जी तेरी बेटियों को अल्लाह के फजल से 12 डंडे लगेंगे। मेरी आँख में आँख डाल के जो पूछते मौली साहब क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कमा तो दीन हो तो दान हो, जैसे करोगे वैसे भरोगे। मैंने कहा ये जो तेरे पास है ये भी किसी की बेटी है, तू इसे मारेगा तेरी बेटी बचेगी? ओली हाड़े लेसी मेरा पुत्र, बूढ़ा आदमी था। अच्छा मेरी बेटी, बाकी मेरा एक बेटा दामाद वो शादीशुदा है, वो लड़ते हैं आपस में। मैंने कहा तूने ससुर की बेटी का हक खाया है, वो तेरी बेटी का खाएगा। हम ससुर की बेटी की इज्जत करते हैं उसकी जो अपने निकाह में नहीं होती, साली की। ससुर की उस बेटी की इज्जत कोई नहीं करता जो इसके निकाह में होती है, जिसका अल्लाह ने कहा है। नाराज ना होना, हम लड़कियों के लिए अच्छे अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं और बीवियों पे लतीफे बनाते हैं लोग। लाख लानत दवेला आ गया। मैंने उसे फिर समझाया, उसने माफी मांगी। मैंने कहा मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो और बीवी के पास। बीवी तो खावंद माफी मांगे तलाक नहीं हो वेंदी। मैं कह कि फजूल बंदे तेन मसला दस है। मैंने कहा जाकर बीवी से माफी मांगो, कोई तलाक नहीं होती। उसने बीवी से माजरत की, उसकी बीवी ने मौली साहब की बीवी को बताया, मौली साहब की बीवी ने मौली साहब को बताया, मौली साहब ने अगले दिन मुझे बताया, मौली साहब सीरतुलनबी के जलसे का फ़ायदा हो गया। उसकी बीवी रोते हुए आई है, उसने कहा जी 35 साल के लगभग हो गए मुझे इसके घर में शादी होकर आए हुए, जिंदगी में पहली बार इसने माफ़ी मांगी और मैं सुकून की रात सोई हूँ। कभी उलमा के पास आप जाए ना और इन्हें कहें जो वो अजाब का हमें वाकया सुनाओ कि जो अपनी बीवियों को मारता है उसको जहन्नम में फरिश्तों की जमात कैसे मारेगी, किन कोड़ों से मारेगी, ये मौलवी आपको सुनाएंगे, फिर सुन लेना। हदीस पाक में है, अल्लाह पाक की हदीस है, हदीस कुदसिया, फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो बीवी मैंने तुम्हें दी है ये मेरी तरफ से तुम्हारा, ये तुम्हारे ऊपर मेरी तरफ से कैदी है और इस मेरे कैदी के साथ तुम क्या सलूक करोगे मैं कयामत में तुमसे गिरफ्त करूंगा।